भगवान के प्रति आदर उनकी महिमा, शक्ति, दया, क्षमता और उनके उपासनीय गुणों के प्रति होता है। भगवान आध्यात्मिक जगत में अत्यंत महान और सर्वशक्तिमान होते हैं, जिनकी विश्वासयोग्यता और विस्तार समस्त ब्रह्मांड में होती है। इसलिए उन्हें पूजने और उनके प्रति आदर व्यक्त करना धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पद्म पुराण के अनुसार ये 32 अपराध ऐसे हैं जिन्हें मंदिर में भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। 1. भगवान के मंदिर में जूते खड़ाऊं पहनकर अथवा सवारी पर चढ़कर जाना। 2. रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि भगवत संबंधी उत्सवों को न करना या उनके दर्शन न करना। 3. भगवान के सामने जाकर प्रणाम न करना। 4. अशुद्ध अवस्था में भगवान के दर्शन करना। 5. भगवान को एक हाथ से प्रणाम करना। 6. भगवान के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े परिक्रमा करना। 7. भगवान के आगे पैर फैलाकर बैठना। 8. भगवान के सामने पलंग या खाट पर बैठना। 9. भगवान के सामने सोना। 10. भगवान के सामने खाना। 11. भगवान के सामने झूठ बोलना। 12. भगवान के सामने जोर जोर से बोलना। 13. भगवान के सामने परस्पर बातचीत करना। 14. भगवान के सामने रोना चिल्लाना। 15. भगवान के सामने झगड़ा करना। 16. भगवान के सामने किसी को पीड़ा देना। 17. भगवान के सामने किसी पर अनुग्रह करना। 18. भगवान के सामने स्त्रियों से रागपूर्वक बातें करना। 19. भगवान के सामने कंबल ओढ़ना। 20. भगवान के सामने दूसरे की निंदा करना। 21. भगवान के सामने दूसरे की स्तुति करना। 22. भगवान के सामने अश्लील शब्द बोलना या गाली बकना। 23. भगवान के सामने अधोवायु का त्याग करना। 24. शक्ति रहते हुए भी गौण सामान्य उपचारों से पूजा करना। 25. भगवान को भोग लगाए बिना ही कोई वस्तु खाना पीना। 26. जिस ऋतु में जो फल हो उसे पहले भगवान को न चढ़ाना। 27. उपयोग में लाने से बचे हुए शाक फल आदि को भगवान के लिए देना। 28. भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना। 29. भगवान के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना। 30. गुरु के विषय में मौन रहना, अर्थात उनकी स्तुति महिमा आदि न करना। 31. अपने मुख से अपनी अपनी प्रशंसा। 32. मंदिर में किसी भी देवता की निंदा करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर ले ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। जय श्री राम।